भ्रष्टाचारियों को संरक्षित मुख्यमंत्री कर रहे हैं, मौन हो गए हैं, धृतराष्ट्र बन गए। इस पर आप स्पष्ट करिए कि आप भ्रष्टाचार कैसे खत्म करेंगे। भारत सरकार पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार बैठी है। नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार विधानसभा का हंगामेदार बजट सत्र जारी है। वहीं आज भी विधानसभा का बजट सत्र में बवाल खूब देखने के लिए मिला है। आपको बता दें कि आनन फानन में सदन से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा निकले और मीडिया के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से हमलावर देखे। इस दौरान विजय सिन्हा ने साफ तौर पे महागठबंधन की सरकार को भ्रष्टाचारियों की सरकार करार दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार में अपराध को संरक्षण दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे विजय सिन्हा, पहले आप वो सुन लें। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मनरेगा का मामला हो, जल जीवन हरियाली के अंदर चल रही योजनाओं हो, साथ निश्चय के अंदर चल रही योजनाओं हो, सब में जबरदस्त लूट की छूट है। इस पर आप स्पष्ट करिए कि आप भ्रष्टाचार कैसे खत्म करेंगे। और 40 से 50 हज़ार प्रधानमंत्री आवास में जो खुल कर करके भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, कोई जवाब नहीं है। यहाँ तक कि केंद्र के नाम से रोना रो रहे हैं, उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। भारत सरकार पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार बैठी है। केंद्र राज्य सरकार अपना राज्यांश नहीं दे पा रही है। कई योजनाएं आज अधूरा पड़ा है राज्य की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही के कारण। और ये मंत्री अपने विकास के किए कार्यों की कोई चर्चा नहीं करना, भटकाना और भ्रष्टाचार को संरक्षित करना इनका उद्देश्य बन गया है। ये सरकार में आज हमारे वार्ड के सदस्य हों या पंचायत के प्रतिनिधि हों, इन सब का जो भत्ता मिलता था उस पैसे को भी आज तक नहीं दिया। उसके नाम पर वारा न्यारा जो हुआ, कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि ये भ्रष्टाचार बिहार के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन भ्रष्टाचार पर ये भ्रष्टाचारी लोग भटकाते हैं, घुमाते हैं, उस पर जवाब नहीं देंगे। फर्स्ट आवर में भी इस पर उठा, लास्ट आवर में भी उठा, भ्रष्टाचार पर एक शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की सरकार है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षित मुख्यमंत्री कर रहे हैं, मौन हो गए हैं, धृतराष्ट्र बन गए हैं। तो आपने विजय सिन्हा का वो बयान सुना जिसमें वो महागठबंधन की सरकार पर पूरी तरह से हमलावर दिखे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अपराधियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही संरक्षण दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में चाहे किसी भी तरह की योजना क्यों ना हो, उन सभी योजनाओं में हर तरह से घोटाले सामने आते हैं और इन सभी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन की सरकार है। इसके साथ ही अन्य तमाम मुद्दों या फिर अपराध से जुड़े हो या फिर सियासत से जुड़े हो, उन सभी मुद्दों को लेकर विजय सिन्हा लगातार सरकार पर ही हमलावर दिखे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे एक न्यूज 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।